तो ये हूँ मैं एंड इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को बताने जा रहा हूँ कि फायर एमसी एक पे टू विन सर्वर बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़े दिनों पहले मैं फायर एमसी के डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर ज्वाइन करता हूँ एंड वहां पे बंदों से सवाल पूछता हूँ कि गाइस फायर एमसी क्या पे टू विन है। तो उनका आंसर, अरे मैं तुमसे एक सवाल पूछूं क्या, फायर एमसी के ऊपर को पे टू विन लगता है कि नहीं? अबल पुरुष भाई बिग फैन ब्रो, बिग फैन। फायर एमसी के ऊपर को भी पे टू विन लगता है ना? हां अरे हां भाई, पूरा पे टू विन होता है। मेरे को तो फायर एमसी बिल्कुल भी पे टू विन नहीं लगता, और फिर भी अगर तुम्हारे को पे टू विन लगता है तो मैं आज इस वीडियो के अंदर तुम्हारे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक पे टू विन सर्वर के अंदर बिना पैसे खर्च करे कैसे सर्वाइव करा जाता है। तो सबसे पहले मैं फायर एमसी के अंदर एक ऐसी चीज को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि सिर्फ मैं IRL मनी देके ही बाय कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने एज खोला तो वहां पे बिक रही थी लैपिस सोर्ड, और वो सिर्फ IRL मनी देके ही हम बाय कर सकते हैं, और यहाँ पर वो मिल रही थी 100 मिलियन में। अब फायर एमसी के अंदर मेरा टारगेट है कि बिना IRL मनी खर्च करे मैं इस लैपिस सोर्ड को कैसे बाय करूंगा। तो अभी मैं बना लेता हूँ अपनी एक फेक आईडी एंड उसके अंदर मेरे को सब कुछ शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आ जाओ सबसे पहले बेसिक ग्राइंडिंग कर लेते हैं। ओके, तो फाइनली इतनी देर की ग्राइंडिंग के बाद में मैंने पूरा आर्मर बना लिया है, वो भी आयरन का, एंड मेरी इन्वेंटरी में थोड़े से डायमंड भी तुम्हारे को दिख रहे होंगे। एंड तुम सोच रहे होंगे कि अभी मैंने डायमंड का आर्मर क्यों नहीं बनाया, मैंने आयरन का क्यों पहना हुआ है। तो गाइस अभी मैं पता है क्या करूंगा, रुको मैं तुम्हारे को बताता हूं। तो अब मैं इन डायमंड को सेल कर दूंगा ताकि मेरे पास थोड़ा बहुत मनी आ जाए। तो मेरे पास 70,000 रुपए आ चुके हैं एंड अभी मैं AH में जा करके एक अच्छी सी पिकैक्स खरीद लूंगा ताकि मैं अपना स्टार्टिंग बेस बना पाऊं जिससे कि मेरी मनी ग्राइंडिंग स्टार्ट होगी। तो गाइस अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट अपने चैनल के ऊपर आने वाले हैं। और डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लेना एंड लाइक कर देना वीडियो को। तो बिना किसी देरी के तो चलो आ जाओ, सबसे पहले एक बेस रेडी करते हैं अपना। तो गाइस बेस बन चुका था, फार्म बन चुका था, लेकिन अभी मेरे को इसको माइन करने में जोर आ रहा था यार। तो भाइयों मेरे को भी एक टीम तो चाहिए थी ना, तो अब इस काम में मेरी हेल्प करने के लिए आ चुके हैं FM एडोन। ओह ये क्या है? ओके FM भाई, तो मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको पता है क्या करना है, अभी आपको एक बहुत ही बड़ा काम करना है, पता है क्या? क्या? आपको यहाँ पे रुक कर AFK करना है एंड ये सारी शुगर केन्स तोड़ करके बेचनी है। अच्छा साढ़े बोले जो कोयल बागों में। ओके तो FM भाई रेडी हो चुके हैं एंड अभी मैं जाता हूँ अपने दूसरे रिसोर्स को कलेक्ट करने के लिए जिससे मैं और भी ज्यादा मनी ग्राइंड कर लूँ। तो बहुत ज्यादा माइनिंग करने के बाद में मैं डायमंड स्पॉन के ऊपर बेचने के लिए आया था कि तभी FM भाई मेरे को DM के अंदर टैग के ऊपर टैग करे जाते हैं। तो मैं फटाफट से उनके VC के अंदर जाता हूँ। हेलो 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 FM भाई, क्या हो गया? हेलो अब्ला। हाँ क्या हुआ? इतना ये बेस ग्रीव करके चला गया कोई? व्हाट, आप क्या कर रहे थे? मैं खाना खाने गया था भाई, देखो आके क्या हाल कर दिया इसका। मजाक मत करो यार, मजाक मत करो, रुको होम पे मजाक करने के टाइम है क्या भाई? भाई एक बार देखो आके आ गया मैं। व्हाट भाई ये क्या हो गया? कहां पे हो? क्या क्या मैं ये देखो भाई, क्या हाल कर दिया भाई? भाई ये क्या हो गया भाई? भाई यहां पे क्या हो रहा? फोन करके गया यार, आप कहां पे गए थे? मैं तो यहीं पे AFK छोड़ के गया था भाई, जब मैं वापस आया आई वाज लाइक के हां। सुनो अबला, हां भाई पहले तो ये कुछ डायमंड के ब्लॉक रखो और अरे इधर ही मिले थे मेरे को। फार्म तो अब ग्रीफ हो गया ना, तो मैं क्या करूंगा, तो इसलिए मैं चलता, बाय बाय। तो भी फार्म तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन FM भाई ने भी काफी देर तक AFK किया था और खूब सारी शुगर केन भी बेची थी, तो उनके पास भी थोड़ा बहुत मनी होगा, तो उनसे पहले वो मैं निकलवा लेता हूं। अरे हेलो FM भाई, ओए। हां क्या है, चिल्ला क्यों रहा है? अबे इतनी देर से वहाँ पे फार्म पे AFK कर रहे थे, फार्म तो तोड़वा दिया, लेकिन इतनी देर का पैसा तो देके जाओ। और तोड़वा क्या दिया होता है यार, अपने आप टूटा है वो। अबे भाई यार ध्यान रखना होता है, चलो तुम तो बकवास तो करो मत और पैसा देके जाओ यार, इतनी देर AFK क्या। आ जाओ गेम में, आ जाओ, कहाँ पे हो? मैं तो गेम में ही हूँ, आप आओ। यस यस बताओ। हाँ वो पैसे तो, अबे AFK तो जी 26 मिलियन ही हो पाया था। हाँ तो दो ना अभी मेरे को, पे कर दो वो फटाफट से यार। पे कर दिया। ओके अब फार्म तोड़वा दिया मेरा पक। नॉटी हो रहा यार, अब तो फार्म भी ब्रेक हो चुका है एंड अभी मेरे पास इतना मनी भी नहीं है कि मैं वो वाली स्वॉर्ड खरीद पाऊं। काश मैंने एक और एक्स्ट्रा में फार्म बनाया होता।
जस्ट किडिंग गाइस, तुम्हारे को क्या लगता है क्या मैं इसी एक फार्म के भरोसे टिका था? ना 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 ना। तो गाइस मैंने पहले से ही बनाया हुआ था ये कैक्टस फार्म और अभी यहाँ पे मैं एफके करूंगा और आराम से बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था एंड मेरा मनी कलेक्ट होने के बाद में मैं जैसे ही एएच के अंदर जाता हूँ तो मेरे को वहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि लेपिस वर्ड अब वहाँ पे है ही नहीं, या तो शायद तक उसको किसी ने खरीद लिया या फिर उसका टाइम लिमिट पूरा हो चुका था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चैलेंज तो कंप्लीट नहीं हो पाया लेकिन फिर मैं एएच में गया एंड वहां से एक एंजल किट बाय कर ली जो कि एक पेड किट है एंड यहाँ पे ये मेरे को मिला 85 मिलियन का। तो शायद तक मैंने प्रूफ कर दिया है कि फायर एमसी एक पे टू विन सर्वर बिल्कुल भी नहीं है। अबल पुरुष भाई, अबल पुरुष भाई, बिग फैन ब्रो, बिग फैन।